हेलो फ्रेंड्स, लव यू किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पुदीने की टेस्टी आइसक्रीम। मेरे पास थोड़ा बहुत दूध बचा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पुदीने की आइसक्रीम बना लूँ। मेरे पास यहाँ करीब एक बड़ा गिलास दूध है तो मैं इसे अब गर्म कर लेती हूँ। दूध को हम अच्छे से उबाल लेंगे। हमारा दूध अच्छे से उबल गया है। अब मैं यहाँ पे बाउल में एक और आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। अब पानी डाल के हम इसका एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अब हम कॉर्नफ्लोर को दूध में ऐड कर लेंगे। अब हम कच्ची को अच्छे से हिलाते जाएंगे। अब हम चीनी ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इससे हमारी आइसक्रीम का कलर बहुत अच्छा आएगा। देखिए, ये अब बनके रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे 8 से 10 पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। हमें ज़्यादा पुदीना नहीं लेना है। और बनाया हुआ बैटर भी हम जार में डाल लेंगे। हम मिक्सर को 9 से 10 मिनट तक चलाएंगे। इससे हमारा बैटर एकदम क्रीमी बनके आएगा। देखिए, बैटर एकदम क्रीमी बनके रेडी है। अब हम बैटर को एक कंटेनर में डाल देंगे। मुझे पुदीने की पत्तियाँ बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट कंटेनर में डाल रही हूँ। आप इसे छान के भी डाल सकते हैं। देखिए, ये एकदम क्रीमी बनके रेडी है और हम इसे अब 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीजर में रख लेंगे। देखिए, हमारे 6 घंटे पूरे हो गए हैं। अब हम आइसक्रीम को चेक करते हैं। देखिए, हमारी आइसक्रीम एकदम अच्छे से जम गई है। अब हम थोड़ा सा प्लेट में पानी लेंगे और आइसक्रीम को उसके ऊपर से रख लेंगे ताकि हमारी आइसक्रीम अच्छे से निकल आए। अब मैं आइसक्रीम को एक प्लेट में पलट लूँगी। देखिए, हमारी पुदीने की आइसक्रीम बनके रेडी है और ये दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। अब आइसक्रीम को कट करके अपनी पसंद से सर्व करें। तो कैसी लगी आपको रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ लव यू किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।